झंडे के संविधान को नहीं मानते हो फिर उस देश में रहने का क्या फायदा। राम मंदिर के निर्माण में अनेक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आने वाले समय में भव्य राम मंदिर निर्माण कर गर्व महसूस करेगा। भव्य मंदिर निर्माण के बाद यह पीढ़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी बन जाएगी। हमें मंदिर का निर्माण चाहिए। यह बात सनावत के जैन ग्राउंड पर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान एवं धर्म सभा में मुख्य वक्ता महेश अंजाना ने कही। उन्होंने युवाओं से कहा कि सालों से हम भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हर बच्चे, हर युवा, हर बहन को मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। सरकार द्वारा इस पर अध्यादेश लाया जाए, ऐसी मांग की जाएगी। स्वामी रामेश्वर महाराज ने कहा कि हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य श्री राम अयोध्या में रहते हैं। हम भी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, साथ ही गौरवशाली इतिहास को भी दोहराएंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिलीप सकरोदिया, बिन्नी कपूर, उमा बैसवार सहित अन्य अतिथि मंचासीन थे। धर्म सभा की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुई। इस दौरान नगर में धर्म यात्रा भी निकाली गई, जिसमें युवा धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे। यह यात्रा बस स्टैंड, इस्लामपुरा, फ्रीगंज, खंडवा रोड, आजाद मार्ग, एमजी रोड, पीपल चौक, सुभाष चौक होते हुए जैन ग्राउंड पर समाप्त हुई। इसका संचालन जितेंद्र राठौड़ ने किया। जिला कार्यवाह जी, जिला प्रचारक जी, विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री बजरंग दल, सनातन के जितने भी सज्जन, सनातन धर्मी स्वर बने हैं अज्ञानता की नींद में, सबको जाग जाना चाहिए। बोलो जय जय श्री राम। उच्च न्यायालय के लिए प्राथमिकता नहीं है, परंतु हिंदू समाज के लिए तो भव्य मंदिर का निर्माण हो, रामलला का जहां जन्म हुआ, तो करोड़ों हिंदू समाज की आस्था का केंद्र राम जी, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, क्या वहां मंदिर के निर्माण के लिए निर्णय प्राथमिकता नहीं है? क्या करोड़ों हिंदू समाज की आस्थाओं का केंद्र श्री रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण? सनावा से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सत्यार्थी की रिपोर्ट।